रूबरू कार्यक्रम में आज हम मौजूद हैं राजधानी का ट्रिपल एस ऑडिटोरियम में, जहां पर सोशल वैल्यू सेंटर की तरफ से गीत संगीत का कार्यक्रम रखा गया है। बहुत से कलाकार मौजूद हैं, उन्हीं में से एक कलाकार हैं सीमा भारद्वाज सिंह। सीमा जी, रूबरू कार्यक्रम में आपका स्वागत है। थैंक यू सो मच। सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे, जो इतना अच्छा गाते हैं, ये कहाँ से सीखा? देखिए, ये नेचुरली कुदरती होता है, उसको आप कैसे तराशते हैं उसके लिए हमें सीखना होता है। एक होता है हमारे अंदर नेचुरल, और जब नेचुरल होता है तो उसको हम कैसे नरिश करेंगे, सुर ताल लय, उसके बाद एक्सप्रेशन, टेक्निकल चीज़ें, ये वर्क करते हैं हम इस पर। तो हमें इसके लिए डेली रियाज करना होता है, हमें स्वरों का साधना करनी होती है, हमें गले की गायकी पे वर्क करना पड़ता है, हमें मुरकी तान, ये सब पूरा जो एक ओवरऑल पैकेज आता है, जो सुंदर एक गीत रचना जब हम आप सुनते हैं तो वो जब बधित होती है सुर ताल लय में, और उसके बाद फील, उस गाने की मिठास, उसका एक्सप्रेशन, अब वो चाहे मिठास वाला गाना है, रोमांटिक है, सेंसुअस है, डिवोशनल है, भक्ति प्रद है, कव्वाली है, वो फील उस गाने का जो इम्पोर्टेंट है, आप उस पर वर्क करते हैं तो ऑटोमेटिकली जब आप उसको डेली उस पर उतरते हैं, कई महीने कई सालों का रियाज जब आता है तब गले में वो पकड़ आती है, वो ठहराव आता है, और हम उसको हम दिखा पाते हैं, जिसकी वजह से आप सब आनंदित होते हैं। जी, बहुत खूब। अभी जो आप ये सिंगिंग को आप ये करियर के रूप में देख रहे हैं, एक शौक या? नहीं, मेरा तो करियर है। मैंने गंधर्व महाविद्यालय से उत्तर भारतीय शास्त्रीय संगीत में MA किया है, अलंकार किया है। सीखने के अलावा मेरा जो जॉनर है वो है भक्ति और बॉलीवुड, उस पर मैं वर्क करती हूँ। सीख के ही और करके उतर के उसमें तभी वो चीज़ आती है, और मेरा ये प्रोफेशन है। मैं एक प्रोफेशनल सिंगर के साथ साथ वॉइस ओवर आर्टिस्ट हूँ, तो वॉइस मॉड्यूलेशन जो हमारी गायकी में होता है, कहाँ पे हम बेस दिखाते हैं, कहाँ पे हम आवाज़ में नाद को हम कहाँ बढ़त देते हैं, कहाँ ठहराव देते हैं, ये सब सीख के ही चीज़ें आती हैं। जो नए नए हमारे सिंगर्स आ रहे हैं, उनको क्या संदेश देंगे कि वो भी आपकी तरह एक अच्छे गायक क्या करें? मेरा सिर्फ एक ही संदेश है, अपने साथ ऑनेस्ट रहें। अगर आप कहीं कम भी पड़ते हो, इसमें कोई बुराई नहीं है, क्योंकि ये स्टेजेस हैं, आप उस पर उतरेंगे, तैरेंगे, गिरेंगे, तैरेंगे, तभी आप अच्छे तैराक बनेंगे। तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अगर आपकी कोई मुर्की नहीं लगी, कोई सुर नहीं लगा, आप अच्छे पहले तो लिसनर बनिए, अच्छे से सुनिए, और फिर उस पर उतरिए, उसको उतारिए अपने गले से, रियाज कीजिए। सिर्फ चार लोगों के अच्छा कहने से या एक क्लैप से नहीं, आप खुद ऑनेस्ट होइए अपने साथ कि वाकई मैं सही रही या सही रहा, और अगर कोई कमी रह जाती है, इट्स फाइन, हम इंसान हैं, ये तो हमारा काम है कि कमी है और हम उस पर वॉक करते चलेंगे, और इसीलिए हम बिज़ी रहेंगे और हम लगे रहेंगे। जी, बहुत खूब। नई नए गायकों के लिए एक बहुत सुंदर संदेश जी। उनको एक बहुत अच्छा रास्ता दिखाया है सीमा जी ने। थैंक यू वेरी मच। कैमरामैन अशोक के साथ VP शर्मा, INS न्यूज़।